राशियों की तुलना प्रतिशत के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत राशियों की तुलना का एक अलग तरीका है। जब हम प्रतिशत के आधार पर तुलना करते हैं तो कुल राशि को 100 मान लेते हैं। जैसे एक बैग में 12 गेंदों में से 3 काली और 9 सफेद है, तो काली गेंद का प्रतिशत हुआ 3/12 × 100 = 25%। सफेद गेंद का प्रतिशत 9/12 × 100 = 75%। तो हम कह सकते हैं कि बैग में 25% काली और 75% सफेद गेंदे हैं। आपको कुछ परिस्थितियां देते हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और आपस में चर्चा कीजिए कि प्रत्येक के लिए अनुपात और प्रतिशत में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। पहली परिस्थिति है, इडली के मिश्रण में होता है 1/3 उड़द की दाल और 2/3 चावल, यानी 33.3% उड़द की दाल और 66.6% चावल। दूसरी परिस्थिति, कक्षा में बच्चों की संख्या है, लड़कियां 3 लड़के 2, यानी 60% लड़कियां और 40% लड़के। प्रतिशत का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। बट्टा, बच्चों आओ एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। दीपक को अपने स्कूल के लिए कुछ सामान खरीदना है। वह बाजार गया, उसने देखा कि स्टेशनरी की दुकान के बाहर लिखा हुआ था, प्रत्येक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट। दीपक ने उस दुकान से एक पैकेट पेंसिल का खरीदा और दुकानदार से पूछा कि इस एक पैकेट के कितने रुपए हुए। ये पेंसिल का पैकेट कितने रुपए का है? यह 50 रुपए का है, लेकिन 6% छूट होने के कारण तुम्हें 47 रुपए का पड़ेगा। अच्छा, ये तुमने कैसे पता कर लिया? छूट या बट्टा वस्तु के निर्धारित या अंकित मूल्य पर होता है, इसलिए छूट की राशि को उससे घटाकर वस्तु बेचते हैं, जिससे वस्तु के बेचने का मूल्य उसके निर्धारित या अंकित मूल्य से कम हो जाता है। बट्टा अथवा छूट बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। बट्टे की दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। उदाहरण एक, एक शर्ट की कीमत 300 रुपए है और दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो शर्ट पर बट्टा व विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण एक, हल। प्रश्न में दिया है कि शर्ट की कीमत 300 रुपए है, यानी उसका अंकित मूल्य हुआ 300 रुपए। अंकित मूल्य बराबर 300 रुपए। इसके बाद प्रश्न में हमें बताया गया है कि दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, तो छूट या हम कह सकते हैं बट्टे की दर कितनी हुई? बराबर 20%। अब हम कह सकते हैं, क्योंकि बट्टे की दर 20% है, तो हम यह कह सकते हैं कि 100 रुपए में 100 रुपए अंकित मूल्य के लिए 20 रुपए बट्टा है। तब यदि हम 1 रुपए अंकित मूल्य पर इसे ज्ञात करना चाहें तो क्या कहेंगे? तो 1 रुपए अंकित मूल्य पर बट्टा होगा, क्या करेंगे आप इसे? हम कहेंगे 20/100 रुपए। चलिए, अब प्रश्न में हमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 300 रुपए। तो अब हम 300 रुपए के लिए इसे ज्ञात कर लेते हैं। 300 रुपए पर बट्टा बराबर कितना मिलेगा?
20/100 गुणित 300। इसे हल कर लेंगे तो यदि हम 100 का पहाड़ा ले लें तो 100 एकम 100, 100 तिया 300 और 3 × 20 हमें मिलेगा 60 रुपये। तो चूंकि प्रश्न में आपको बट्टा और विक्रय मूल्य ज्ञात करने कहा गया था तो बट्टा तो हमें मिल गया। बट्टा बराबर कितना हो गया 300 रुपये अंकित मूल्य पर, बट्टा बराबर हो गया 60 रुपये। अब हम ज्ञात करेंगे इसका विक्रय मूल्य। चलिए आगे हल करते हैं। हमें बट्टा का मान प्राप्त हुआ था, बट्टा बराबर 60 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट या बट्टा। तो हम मान रख देते हैं अंकित मूल्य हमारे पास प्रश्न में कितना दिया गया है 300 रुपये और छूट कितना प्राप्त हुआ हमें 60 रुपये, यानी कि 240 रुपये जो है वो वस्तु का या शर्ट का जो कीमत है वो कितनी हो गई 240 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि शर्ट की कीमत है, कीमत बराबर 240 रुपये। इस प्रकार हमें बट्टा और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात हो गया और प्रश्न हल हुआ।